ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों मिल जाए तो हो जाती है। रोशन रही रोशन रही रोशन रही रोशन रही रोशन रही वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम है रोशन रहीम, मैं हूँ मीना परवेज और मेरे साथ हैं ज़ीशान लब्बा और शकूर नूर के। बात हो रही है नौजवानों की तरबियत की, उनकी रोया की, उनके मकासद की। तो हम ज़ीशान बात कर रहे थे कि नौजवानों के इन दिनों रुझानात क्या हैं, किस तरफ ज़्यादा जल्दी माइल होते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो उम्र होती है ना 14-15 से लेके 22-23 तक, ये बड़ी वोलेटाइल होती है, बड़ी सेंसिटिव होती है, हर एक चीज़ के असर को बड़ी जल्दी कबूल कर लेते हैं ये उम्र। इसी उम्र को अगर आप जो है वो ट्रेंड करें तो आप जो है वो स्कॉलरली जो है वो फील्ड तक ले जाएं, इसी उम्र को आप ट्रेंड करें आप पादरी बना लें। और अब बेहतर तौर पर जानते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा चर्च है वो अपने प्रीस्ट को इसी एज से लेकर जो है वो आगे लेके चलता है। सो मैं समझता हूँ कि इस एज को अगर आपने गाइड कर लिया, कंट्रोल कर लिया, समझा लिया, सिखा लिया, तो उस वक्त जो है आप इस बात में कामयाब हो जाएंगे कि आप एक बेहतरीन मसीही कौम अगले 10 सालों में हासिल कर सकते हैं। अगर उनके इर्द गिर्द जो है वो ड्रग्स हैं तो कोई भी मामूली सी लापरवाही उन्हें ड्रग्स की तरफ जो है वो ले जा सकती है। अगर उनके इर्द गिर्द जो है वो खुदा का कलाम है तो मैं समझता हूँ कि अक्सर मैंने ये भी देखा है कि नौजवान जो है वो अपनी स्टडीज़ को छोड़कर समहाउ चर्च की तरफ जो है वो ज़्यादा टाइम देते हैं। मैं मतलब इसमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ों की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो चर्च और वालदैन, ये दो इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि किसी स्टूडेंट को उसकी सही राह पर गामजन करने में मदद कर सकते हैं। और इस एज में अगर आपने उनको कंट्रोल कर लिया है तो मैं समझता हूँ कि आप जो है वो उनको सही मुस्तकबिल तक लेके जा रहे हैं। हम यूथ कैंपेन में इसी एज पे काम करते हैं, हम उन्हीं नौजवानों को लेते हैं क्योंकि 14-15 सालों में की उम्र में उनकी अभी ज़हनी तौर पर इतनी जो है वो बलूगत नहीं होती कि वो चीज़ों को डिसाइड कर सकें। वो भी इस फेज़ में होते हैं कि अपने फ्यूचर को डिसाइड करें, तो क्यों ना उन्हें हम गाइडेंस दें, क्यों ना हमें उनका हाथ पकड़ें, क्यों ना हम उनको सिखाएं, क्यों ना हम उनको बताएं कि आप कौन है। सो जितनी मेहनत इस एज ब्रैकेट पे की जाएगी मैं समझता हूँ कि उतनी ही कामयाबी जो है हमें अगले आने वाले दिनों में मिलेगी। इस उम्र में नौजवान सोचता ज्यादा है, समझता कुछ कुछ है और अमल भी करने की कोशिश करता है। शकूर, आपकी खिदमत का एरिया नौजवानों में और खासतौर पर उन नौजवानों में है जो नशे का शिकार है। जी, आज से 3 साल पहले मैं टीन चैलेंज ऑफ पाकिस्तान में एज ए सेंटर डायरेक्टर काम किया, और वो टीन चैलेंज ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो ड्रग्स एडिक्टेड हैं उन पे काम करते थे। तो अक्सर जब जिंदगी के बारे में पूछते थे कि वो क्यों नशे की तरफ रागब हुआ, तो यही होता था कि या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, या तो इश्क में नाकामी, अच्छा, या एक और सबसे बड़ी एक वजह यह भी होती थी कि दबाव, पेरेंट्स का दबाव। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है ना जो कुछ कर रहा होता है वो बच्चे की बेहतरी के लिए कर रहा होता है। क्लब में कायद है कि बहुत सी ऐसी राहें हैं जो अच्छी मालूम होती हैं लेकिन उनकी इंतहा में मौत है। कभी कभी हम बच्चों पे सख्ती करते हैं इसलिए कि बच्चे कामयाब हों, बच्चे जो हैं वो बुराइयों से बच जाएं, लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा सख्ती जो है वो बच्चों को जो है वो बेदिल कर देती है, उनको गुस्सा दिला देती है, गुस्सा दिलाती है। और उसी वजह से वालदा ने कहा कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही करना है, आपने डॉक्टर बनना ही बनना है। आप हर खुदा ने सबको जहन दिया है लेकिन हर बंदी का जो है वो जहन को इस्तेमाल करने का तरीका कार अलग है, उसका अपना भी वीएन है। और बहुत सारे बच्चे जब डॉक्टर नहीं बनते थे या जो पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं बनते थे, उस वजह से भी
वो जो है वो नशे की लत में पड़ जाते थे, क्योंकि उनको भी ज़हनी सुकून चाहिए। तो फिर किस तरह से आप उनको तंदुरुस्ती की तरफ लाते हैं? अब ये देखें कि मुख्तलिफ हैं, जैसे काज ऑफ एडिक्शन जो है वो मुख्तलिफ हैं, कोई इश्क में नाकामी है, कोई वालदैन की डांट पीट है, कोई जो है अपने मुस्तकबिल से है, इम्तहान में फेल है, या किसी न किसी ठोकर की वजह से वो नशे की लात में पड़ा। तो वो हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है उसकी काउंसलिंग करते थे कि अगर उसका ये मामला है तो उसको ऐसे करना चाहिए, अगर तालीम आगे जारी नहीं रखा इस वजह से वो समझता कि वो नहीं कर सकता, मतलब जैसे वालदा ने टारगेट दिया कि वो डॉक्टर बने, अब वो डॉक्टर बनने की सलाहियत ये नहीं है, इंसान ही करते हैं, इंसान ही जो है वो चांद पे गए हैं, इंसान ही रेडी चला रहे हैं। तो बात यह है कि हर बंदे की अपनी अपनी कोशिश है कि वो किस तौर पर अपना जहन जो है वो इस्तेमाल करता है। तो फिर हम बताते थे कि अगर आप जो कुछ कर सकते हो वही करो, कामयाबी इसी में है कि आप जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ कर सकते हैं उसी में कामयाबी है। बहुत ही संजीदा गुफ्तगू हो रही है रोशन राहें में। तो ज़ीशान, आपसे मैं वो वाक्या लेना चाह रही हूँ जिसमें आप पहले तो बताया जाता था कि ज़ीशान इनका बेटा है, तो फिर कुछ ऐसा भी हुआ ना कि ये इनके वालिदैन हैं? मेरी वालदा जो हैं वो, जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ और मतलब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, मेरे वालिदैन पढ़े लिखे नहीं हैं। और जब ये टीवी पर न्यूज़ आई, इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया पे ये बात जो है वो निकली, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, बल्कि हमारे घर के साथ जो है वो DHQ हॉस्पिटल है, तो वहाँ मुझे पता चला कि एक लेडी डॉक्टर आई हैं, वो ये सिर्फ ये उन्होंने आगे कहा जी कि मैंने उस खातून को मिलना है जिन्होंने मेहनत कर कर के, जिन्होंने जो है वो सख्त मेहनत करके अपने बच्चे को जज बना दिए। सो मतलब मैं समझता हूँ कि मेरी वालदा जो हैं वो मेरे लिए तो एक आइकॉन हैं ही, मेरे लिए तो एक पर्सनैलिटी हैं ही, और ऐसे बहुत से वालदा हैं जो कि अपने बच्चों को कुछ कुछ बनते हुए देखना चाह रहे हैं, उनके लिए एक जो है वो मिसले राह हैं। मैं अपनी सारी कामयाबी का अगर सबसे ज़्यादा क्रेडिट खुदा के बाद देता हूँ तो अपनी वालदा को देता हूँ। उनका पैशन, उनकी ख्वाहिश ही इस बात के पीछे थी, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज जब इतनी सख्त मेहनत के बाद और सारी ज़िंदगी जो है वो मेहनत के बाद आज जब वो मुझे इस मुकाम पर देखती हैं, तो मेरा ईमान है, मैं समझता हूँ कि उनका सर जो है फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। और मैं समझता हूँ जितने वालदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे तालीम हासिल करके ज़िंदगी में कुछ मुकाम तक पहुँचें, आगे बढ़ें, तो मेरी वालदा जो है वो उनके लिए एक मिसाल है। अनपढ़ होने के बावजूद, नौकरी पेशा होने के बावजूद, वर्किंग लेडी होने के बावजूद वो हमारे स्कूल्स में हमारे पीछे फॉलो करती रही हमें, और हमें पढ़ाती रहीं, हमारी एक्टिविटीज़ पे उनकी नज़र जो है वो रही थी, और वो हद से ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट रही हैं हमारी पढ़ाई को लेकर। और आज भी मतलब वो कहती होती हैं कि खान दा लाड़, पीन दा लाड़, पहनन दा लाड़, पढ़ाई च कोई लाड़ नहीं, ठीक है जी। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी सख्ती, उनके प्यार, उनका मोहब्बत जो है वो मतलब वो ही एक फैक्टर था जो कि हमें, मैं मुझे उस एक टिपिकल क्रिश्चियन सराउंडिंग से लेकर जो है वो ऊपर आया। इसके बाद का वाक्य भी बताइए ज़ीशान। मेरी वालदा चूंकि मतलब बल्दिया में काम करती थी, तो वो मुझे बताया करती थी, कहती मतलब एक दिन मैं वहाँ पे थी तो कोई ऑफिसर आए वहाँ पे, तो चूंकि वो ड्यूटी वगैरह तो नहीं करती थी, मतलब लोग ऑनर में रिस्पेक्ट में, लेकिन उनसे काम शाम का तो नहीं कहते थे। तो कहती मैं एक दिन बैठी थी तो एक सरकारी गाड़ी में कोई ऑफिसर आए, मुझे नहीं पता कौन थे, और उन्होंने आके ये कहा जी कि मैंने उस खातून से मिलना है जिनका बेटा जो है वो जज है। तो मतलब वो ये बात बताते बताते लिटरली शी स्टार्ट वीपिंग, शी स्टार्टेड क्राइंग के जो है, और मैं समझता हूँ कि उस दिन उन्हें अंदाज़ा हुआ होगा कि जो उन्होंने मेहनत की है, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, वो मेरे लिए रिवॉर्ड तो चलो है ही है, लेकिन ये उनके लिए भी एक रिवॉर्ड था, ये उनके लिए भी एक काबिल फ़ख्र और बायस फ़ख्र बात थी। शकूर नूरगिल, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा तजर्बा जब आपने नौजवानों में काम किया है तो उन्होंने नशे की लत को छोड़ दिया हो? हाँ जी, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो नशे को छोड़ के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, दुबई, सऊदीया, तो
मुझे बहुत अच्छा लगता है आज जब वो फ़ोन करते हैं, बेशक अदारा जो है वो कुछ वजूहात की बिना पे पाकिस्तान में बंद हो चुका है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दूसरे मालिक से कॉल करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो बहुत मुझे अच्छा लगता है। खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उसने इस लायक समझा कि मैं ऐसे लोगों की जो है वो काउंसलिंग कर सकूँ। और मुझे याद है कि एक लड़का है, उसने मैट्रिक में छोड़ दिया था, तो पढ़ाई के सिलसिले को जारी नहीं रख सका पढ़ाई, जी जी, तो मेरे पास आया वो नौजवान और मैंने उसके बारे में पूछा, क्या कर रहे हो, कैसा सिलसिला चल रहा है तालीमी मामलात, तो उसने छोड़ा कि बस कुछ वजूहात की बिना पे मैंने तालीम छोड़ दी है, मैंने मैट्रिक में एग्ज़ाम दिए लेकिन फ़ेल हो गया और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए मुश्किल है। तो मुझे याद है कि थोड़ा टाइम उसके साथ स्पेंड किया और आज वो बच्चा जो है वो बीए कर रहा है और वो गैस के महकमे में मुलाजिम है। और भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, तो बहुत सारे नौजवानों को एडिक्शन जो है नशे की नहीं है, बहुत सारी एडिक्शंस हैं, तो जिनमें काउंसलिंग करने का इत्तेफाक हुआ है और थैंक्स लॉर्ड, खुदावंद ने काम किया है। बिल्कुल, प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि जब हम टुवर्ड्स द एंड होते हैं तो फिर एक पैगाम लेना होता है, तो वो वक्त आ गया। अब किस प्रोग्राम के तवसत से, मैं पहले प्रोग्राम में भी जो है वो ये बात कर चुका हूँ कि फैसलाबाद में रहकर मैं, मेरे साथ भाई शकूर हैं और उस दिन भाई आमिर थे मेरे साथ, हम लोग मिलकर नौजवानों की के लिए जो है वो एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको यूथ कैंपेन का नाम दिया जाता है। और हमारा जो फोकस टारगेट है वो नौजवान हैं जो 14 से लेकर 22 साल तक की उम्र में हैं। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये वो उम्र है जहाँ पे हम उनको जिस तरफ लेकर जाना चाहें हम ले जा सकते हैं। उसके साथ साथ हम दूसरा उसका हिस्सा जो है वो पेरेंट्स की गाइडेंस का है। सो हम फैसलाबाद में इस पे काम कर रहे हैं, हम नौजवानों को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, टीवी स्क्रीन पे आपको नंबर मिलेगा। अगर आप नौजवान हैं और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और इफ़ यू वांट टू बी सक्सेस, इफ़ यू वांट टू बी ए सक्सेस एंड नो हाउ टू बी सक्सेसफुल, तो मैं चाहूँगा इस नंबर पर ज़रूर जो है वो रब्ता करें और हम आपसे रब्ता करेंगे। और हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, ये मेरा विजन है कि हम में से हर एक मसीही प्राउड एंड सक्सेसफुल पाकिस्तानी क्रिश्चियन हो। वी आर द लीडर्स इफ वी आर सक्सेसफुल। प्रोग्राम रोशन राहें सिर्फ देखना और सुनना ही नहीं, एक कदम आगे बढ़ाना है। इन नंबर्स को नोट करें और कॉल करें। जी शकूर, आपसे भी एक पैगाम लेना है प्रोग्राम के आखिर में। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा क्रिश्चियन लीडर्स को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी, हम कह सकते हैं कि और वालदैन के बड़ी मेहरबानी, ज़रूर जो दानश्वर लोग हैं उनके बारे में, अपने बच्चों के बारे में बात करें, अपने बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करें। और आज मैं ये अपनी गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूंगा, बड़ी मेहरबानी जहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं वहाँ पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बनाए जा रहे हैं, बड़ी मेहरबानी वहाँ पे हर स्कूल हर कॉलेज में एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट होना चाहिए जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात कर सके। और काउंसलिंग सेंटर होने चाहिए जहाँ पे जा के लोग जो हैं वो अपने प्रॉब्लम जो हैं वो शेयर कर सकें। चर्चेस के लीडर से भी यही गुजारिश है कि बड़ी मेहरबानी हमें आज ऑब्जर्वर थिंकर पैदा करने की ज़रूरत है, और वालदैन को भी ऑब्जर्वर और थिंकर होना चाहिए। अगर पेरेंट्स अच्छे ऑब्जर्वर हैं तो वो अपने बच्चों की बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। जिंदगी बड़ी अनमोल है, एक भी लम्हा ज़ाया नहीं करना ताकि हर एक ज़िंदगी रोशन राह पर रहे। इसके साथ ही प्रोग्राम की मेज़बान मीना परवेज़ और मेहमान ज़ीशान लब्बा और शकूर नूर गिल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। Thanks for watching. Please like this video and comment below.
For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.